ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। आने वाले समय में नेक इंस्पेक्शन होना है महाविद्यालय का, और प्रत्येक नेक की तरह इस साल इस समय में भी चित्रकला विभाग अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और इस समय हमने जो नया किया है इस साल के लिए वो है वॉल पेंटिंग। हालांकि वॉल पेंटिंग हमारे कलाकारों ने पहले भी तैयार की है, हमारे शोधार्थियों ने, कुछ हमारे विशेषज्ञ थे उन्होंने भी तैयारी की थी, और इस प्रकार से एक पेंटिंग का जिक्र करना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। ये पेंटिंग 15 मीटर की है। इस पेंटिंग को श्री ब्रजमोहन आर्य शोधार्थी हैं चित्रकला विभाग के, और ये खास तौर पर महिलाओं की एक्टिविटीज़, महिलाओं के उन्नति, उनके उद्देश्य, उनकी भावनात्मक विकास से संबंधित थी, और इसे नेक के द्वारा जो टीम आई थी सराहा गया था। इस समय आने वाले माह में जो इंस्पेक्शन होना है नेक का, उसके लिए हमने नया जो काम शुरू किया है, इसमें छात्राएं वॉल तैयार करेंगी। वॉल तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जितनी खूबसूरती से वॉल बनती है, तैयार होती है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हमने उनको ट्रेंड किया है। इसके बाद ये अपनी वॉल तैयार करेंगी, और जैसी वॉल बनेगी उसी के आधार पे पेंटिंग का स्वरूप वही डिसाइड हो जाता है कि कैसे बनेगी, क्योंकि रंगों का इफ़ेक्ट, उसके ऊपर ब्रश को चलाना, जितनी स्मूथ आपका सरफेस होगा काम करने में उतनी अच्छा महसूस करेंगे, और कलाकार अपनी कला को अंकित कर सकता है। तो हम आइए बात करते हैं हमें कि कुछ छात्राओं से बताएंगी वो क्या करेंगे। अपना नाम बताइए। रश्मि पांडे, एम ए फाइनल ईयर। हम अभी बॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर इस बॉल पर हम स्केच करके एक ब्यूटीफुल पेंटिंग रेडी करेंगे, जिसमें इंडियन पेंटिंग हैं, आप विशेष तौर पे आप कौन सी पेंटिंग बना रही हैं उसके बारे में बताइए। मैं मांडला पेंटिंग बनाऊंगी, जो कि मध्य प्रदेश से है, वो पेंटिंग फिर से बोलिए। मांडला पेंटिंग, अच्छा, मांडला एंड गोंड पेंटिंग। गोंड पेंटिंग, अच्छा। तो इसमें आपने जैसे आपको ट्रेन किया गया था, आप बताइए आपको कैसे बताया गया था, दीवार कैसी बनना है? पहले इस दीवार को, दीवार जो कि खराब थी, फिर हमको खोद, मतलब हमने इसको स्टोन से थोड़ा सा गड्ढा किया, फिर जब हम इसे वॉटर करके, फिर हमने थोड़ा बहुत पुट्टी का भी इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल प्लेन सरफेस।